करते हैं, इस बात के लिए उनके लिए भी तालियां बजाइए। और प्रेम जी हमारे बीच में, आज राजस्थान की धरती जयपुर में आदिवासी मीना सेवा संघ के तत्वाधान में कि आने वालों जो जनगणना में धर्म कोड के विषय पर एक सेमिनार हो रही है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीना समाज के प्रतिनिधियों को और राजस्थान के जो सभी जनजाति के प्रतिनिधि को और जो हमारे बीच देश के कोने कोने से आए हुए हैं उनको मैं एक बार जोहार करता हूँ। और साथ साथ में जो इस मंच के अध्यक्ष हैं हरिनारायण मीना जी, और मैडम से पहली बार मैं दिल्ली में मिला था, हीरा मीना मैडम से तो बहुत सारी बातें कम शब्दों में हुई थी, और झारखंड में इनकी चर्चा होती है साहित्यकारों के बीच, बुद्धिजीवियों के बीच, और हमारे बीच चल के आए हुए झारखंड से ही बाबा कार्तिक उरांव, जो उस समय धर्मकोट की बात को उठाया था सदन में, उनकी बेटी भी पधारी हुई हैं। गीता सिंह उरांव जी का मैं अभिनंदन करता हूं, देव कुमार धान जी को अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं कम शब्दों में ही बात को रखना चाहता हूं कि हमें धर्मकोट क्यों चाहिए और हम धर्मकोट की इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, और हम जब धर्म की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो हम जो है हिंदूवादी व्यवस्था से हम पूजा करते हैं कि ईसाईवादियों से करते हैं कि हम अपनी पहान पुरोहित चाहे अपने कुल देवताओं से पूजा करते हैं, यह बात को हमको समझने की आवश्यकता है। आज हमारे बीच बहुत बुद्धिजीवी हैं, हमारी बहुत इतिहास है, लेकिन जो देश का जो प्रवृत्ति चल रहा है, देश का जो स्थिति चल रहा है, आदिवासी जो एक हो रहा है धर्म और संस्कृति के आधार पर, तो सबसे बड़ा डर है वो आरएसएस को है। आदिवासियों से डर आरएसएस को, हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशन को। और यदि हम देश के 781 जनजातियां यदि एक मंच पर आ जाएं और एक आदिवासी ऑब्लिक ट्राइबल धर्म कोड को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में यदि हम जन आवाज उठाएं, तो हम समझते हैं 100 साल में जो पहले हमारा स्थिति था वही स्थिति अभी आएगा। यह मैं कहने के लिए आया हूं। आज हम देखते हैं, ये बहुत खुशी की बात है, जब हम बात करते हैं राजस्थान की मीना समाज का, तो बहुत हमारे क्षेत्र में कहे जाते थे अरे वो लोग हिंदू है, वो लोग इस अनुयायी को मानता है। तो बहुत सारे लोग जो है, हम जितने भी जनजातियां हैं, कहीं ना कहीं हम हिंदू गाइड से होते हैं, अभी भी पूजा पाठ जो है छोड़े नहीं। जब हम धर्म कोड की बात करेंगे, धर्म संस्कृति की बात करेंगे, धर्म कोड लेने की बात करेंगे, जब धर्म कोड हमें मिल भी जाएगा, जब हम अपने पूर्वजों अपने पहान पुरोहित से पूजा नहीं करेंगे, तो हमारा धर्म कोड का कोई फायदा नहीं। इसलिए आज ही से हमें संकल्प लेने की जरूरत है कि हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था, चाहे अन्य जो गुरु देवता है, जो अन्य जातियों का है, उसको न मानते हुए हम अपनी जो है पहान पुरोहित, चाहे अपने देवता है, उसको मानने से आगे बढ़ेगा, तभी हम आदिवासी एक मंच पर एक छाता पर आ सकते हैं। जब हम संविधान की बात करते हैं, मैं धर्म पर ही बात करना चाहता हूं, लेकिन जब हम 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी धर्म और संस्कृति के आधार पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारा सिद्धांत दिया है। पेशा कानून भी कहीं बनता है तो हमारे धर्म से संस्कृति को टैग करते हुए उसको बनाया जाता है, चाहे 5वीं अनुसूची हो, 6ठी अनुसूची हो, सभी मामले में जो है हमारा धर्म के आधार पर ही दी जाती है। इसलिए ये बहुत बड़ा आबो हवा है और हम आदिवासी के लिए खुश होने की बात है, गदगद हम भी हैं कि हम पूरे देश के आदिवासी एक हो रहे हैं। और जिस प्रकार से आपके क्षेत्र में मैं देखने को मिला कि विधानसभा में एक विधायक ने स्पष्ट कहा कि द्रोणाचार्य ने हमारा अंगूठा काटा था, और
अभी भी हमारा संविधानिक अधिकार के आधार पर वो अंगूठा काट रहा है। इसलिए ये बात को हम समझना चाहिए कि एक आदिवासी को धनुधर बना काटने के लिए आप जो है यहाँ के राजपूत, यहाँ के जो सिंह हैं, वहां के जो अर्जुन को उसको बनाने का काम किया, ये बात को हम अपने समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात, धर्मकोट पर ही ये अभियान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे आदिवासी हैं। धर्मकोट का आंदोलन के साथ साथ हम अलग से भी संविधानिक अधिकार को लेकर के हमको एक सम्मेलन सेमिनार इस बात को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जितने भी आहुति दिए हैं, चाहे बिरसा मुंडा हो, टाटिया भील हो, बीरभूदू भगत हो, सिद्धू कानू हो, चांद भैरव हो, बहन फूलो झानो हो, सभी ने हमेशा संघर्ष किया है तभी उसको अधिकार मिला। इसलिए सबसे पहले हम लोग को सांगठनिक ढांचा को हमको ठीक करना होगा। हम अलग अलग हैं, कोई मीना संघ है, कोई गौर संघ है, कोई आदिवासी जन परिषद है, सरना महासभा सभा है, तो एक ऐसा संगठन को निर्माण किया जाए या तो बना हुआ संगठन को ही आगे बढ़ाया जाए कि पूरे देश के एक एक जनजाति उस संगठन के नीचे आए, तभी हमारा बल आगे बढ़ेगा और हमारी जो अधिकार है उसको आगे मिल सकता है। बातें आ रही थी और एक मिनट कि धर्म कोलम के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों में राजकीय संकल्प आयुक्त किया कि नहीं। देखिए, हम मंच पर बैठे हैं बुद्धिजीवी, और भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि सभी समस्या का समाधान राजनीतिक है, राजनीतिक बुरी चीज नहीं है, विज्ञान है, लेकिन हमारे लोग सदन में अच्छे नहीं जाते हैं इसलिए काम नहीं हो पाता है। एक हिंदुस्तान में नंबर वन है और डूंगरपुर का विधायक है जो सही बात में आदिवासी की बात रखा है, ऐसे विधायक की आवश्यकता है। और राजनीति में भी हमें अच्छे व्यक्ति को चुन के भेजना है, क्योंकि सिस्टम है, विधायिका न्यायपालिका कार्यपालिका के माध्यम से चलता है। यदि हमारे बीच अच्छे लोग सदन में नहीं जाएंगे कौन बात को रखेगा। तो इसलिए संगठन बनाते हुए हम चाहते हैं कि जितने भी स्टेट के लोग इसको अभियान को आगे बढ़ाएं और हम लोग भी हम लोग कदम के साथ मिल के आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये अंदर खाने में ये पता चला है कि आरएसएस घबराई हुई है, अल्पसंख्यक होने जा रहा है, 15 करोड़ इस देश में हम, और अनरिकॉर्डेड तो हम 20-25 करोड़ होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सदन से, कहना चाहता हूँ सेमिनार के माध्यम से कि जब जनगणना हो तो हम ये चाहते हैं कि जनगणना अफसर को या यहाँ के डीएम को या चीफ सेक्रेटरी को ये लिख दी जाए कि जनगणना जब करेंगे तो हमारा भी संगठन का एक सदस्य आपके साथ शामिल होगा, क्योंकि जनगणना करने वाले जानबूझ के हिंदू लिखवाया जाता है, किसी अन्य कोमल कोलम में लिखवाया जाता है। इसलिए भाषण तो बहुत है और वक्ता भी बहुत है, मैं लेकिन यही कहना चाहता हूँ ये बहुत ही अच्छा जो है हमारा एकताबद्ध बन रहा है और जागरूकता भी है, हो रहा है अपने अपने तरीके से, कोई गुजरात में कर रहा है, झारखंड में तो उबाल है, वहाँ कोई भी आदिवासी बारे में बोल दीजिए तो विद्रोह कर देता है, 10 गो संगठन बना करके तलवार फर से उठा देता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि संगठन को बढ़ाने के लिए और इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए एक होगा विधायिका पर, लेकिन रोड में भी जिस प्रकार से राजस्थान में हुआ है उसी प्रकार से पूरे प्रदेश में इस तरह का सेमिनार, इस तरह का सम्मेलन, इस तरह का रोड में आंदोलन करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश में डेमोक्रेटिक राइट है हम लोगों का। तो इसलिए मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहते हैं महिलाओं को भी जोड़िए, और आपसी मतभेद हो सकता है लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस संगठन को आदिवासी समाज को बढ़ाने के लिए सब कोई एक एक चीज, एक एक धर्म संस्कृति, धर्म कोड को आगे बढ़ाने के लिए जैसा भी हो, जैसे तरीके से हो, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। और ये हम समझते हैं कि झारखंड में हम लोग अभी फिर से जाएंगे, आंदोलन को तेज करेंगे, रैली जलसा करेंगे, तो हम चाहते हैं कि आप भी, आप लोग को भी बुलाएंगे तो वहां पर आइए। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। हमको चाहिए आदिवासी धर्म कोड, इनकलाब जिंदाबाद, देश के आदिवासी एक हो, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जय मुंडा जी, आपकी वाणी में ओज है, तेज है, और क्यों ना हो, आप आदिवासी महानायक बिरसा मुंडा के, जयपाल सिंह मुंडा के वंशज हैं, और आदिवासियों में ओज नहीं होगा तो क्या बनिया ब्राह्मणों में होगा? ओज और तेज कैसे नहीं मिलता? खून में होता है, विरासत में होता है। हमारे बीच में
कुछ हमारे सम्माननीय पार्षदगण पढ़ा रहे हैं, वार्ड नंबर 86 से दामोदर जी तालियां बजा करके उनका स्वागत करेंगे। वार्ड नंबर 120 ग्रेटर छोटूलाल जी मीना साहब पार्षद, उनका भी तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। वार्ड नंबर 109 से श्रीमती कृष्णा मीना जी, उनके लिए तालियां। महिलाएं इसलिए एक बार